हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है वो 9th क्लास का है, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए आज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि क्लास 9th के हैं। चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, जो कि आरडी शर्मा की लेवल 2 की दो क्वेश्चंस हैं। तो इनको पहले खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करना, और फिर नहीं आए तब ज़रूर आंसर देखना। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। यदि आपने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। केवल हमें लैंग्वेज को समझना है। तो फर्स्ट लाइन थी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल। तो मान लिया कि एक एंगल है वो एक्स है, ठीक है। तो इस एक्स एंगल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। मान लिया कि कोई एंगल एक्स था, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा है कि टू एंगल्स हैं जिनका सम 90 डिग्री होगा। तो यदि एक एंगल हमने एक्स माना है, तो दूसरा होगा 90 डिग्री माइनस एक्स। ये इस एक्स का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि एक एक्स है तो दूसरा 90 माइनस एक्स है। अब आगे पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा टू द सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, यानी ये जो एंगल एक्स था, इस एंगल का थ्राइस करना है, मतलब 3x, 3x हो गया। अब 3x का सप्लीमेंट कितना होगा? तो सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, तो एक एंगल, इस एंगल का 3x थ्राइस हो गया 3x, और उसका सप्लीमेंट क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 3x। ठीक है, इस लैंग्वेज को समझना था कि हमें सप्लीमेंट लेना था किसका? थ्राइस ऑफ इट, यानी उसके थ्राइस का। तो एक्स का थ्राइस 3x, और 3x का सप्लीमेंट हो गया 180 डिग्री माइनस 3x। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ऐसा उसने कहा था। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 3x है, इसको ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ, तो ये आ गया 3x। ये माइनस एक्स अपनी जगह पे ही है, ये 180 डिग्री अपनी जगह पे, ये 90 इधर ट्रांसपोज किया तो माइनस 90 डिग्री। 3x माइनस एक्स हो गया 2x, 180 डिग्री में से माइनस के 90 डिग्री, तो बचा 90 डिग्री। एक्स इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन टू, तो एक्स आ गया अपने पास 45 डिग्री। ये था सिंपल सा क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को, जो कि है आगे जो क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन है इसी में। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, यानी एक एंगल है एक्स, माना एक्स है, उसका सप्लीमेंट क्या होगा? सप्लीमेंट का मतलब 180 डिग्री माइनस एक्स उसका सप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये हो गया सप्लीमेंट इज 3 times, ये कितना है? 3 times, यानी इसको इक्वल कर लेते हैं। 3 times इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट होगा 90 डिग्री माइनस एक्स, और उसका 3 times होगा ये, यानी कि किसी एंगल का सप्लीमेंट है वो कितना है? 3 times इट्स कॉम्प्लीमेंट, उसकी कॉम्प्लीमेंट का 3 गुना। तो कॉम्प्लीमेंट का 3 गुना किया, तो ये दोनों क्या हो गए? अब इक्वल हो गए। यहाँ से हम वो एंगल एक्स फाइंड कर लेंगे जो हमने माना है। तो 180 डिग्री माइनस एक्स, ये हो गया 93 से 270 माइनस 3x। वही काम करना है, 3x को ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ, तो 3x, ये माइनस एक्स अपनी जगह पे है, ये 270 डिग्री माइनस ये 180 इधर आ गया, तो 180 डिग्री वो आ गया 2x। 270 डिग्री में से माइनस किया 180, तो ये बचा 90 डिग्री। तो x इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो ये थे दो क्वेश्चन जो कि लेवल 2 के थे, 9th क्लास के, लाइन एंड एंगल्स में। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से मिलकर ये क्वेश्चन बनाए गए, जो कि अच्छे क्वेश्चंस थे, और आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यदि लैंग्वेज आपको समझ में आ गई हो और इक्वेशन वाला चैप्टर आपको अच्छे से आता हो। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका जो भी डाउट हो जिस भी क्वेश्चन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।